Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. So in today's video I am going to explain you the chapter 1 of your class 3 New Mulberry English book, Going to the Fair. Okay, so this chapter is written by E.B. White. तो ये chapter जो है वो E.B. White की book Charlotte's Web से एक छोटा सा extract लिया गया और आपकी book में include किया गया है. Okay? तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसके जरा से कैरेक्टर्स पता कर लेते हैं कौन कौन है. मिस्टर एंड मिसी, टोटल देयर आर 4 कैरेक्टर्स. ओके, मिसेस एंड मिस्टर एरेबल और उनके दो बच्चे फन हु इज अ बॉय एंड एवरी हु इज अ गर्ल. ओके, तो ये स्टोरी किस दिन की है? जब फन और एवरी कहाँ जाते हैं? मेले में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. ओके, The night before the fair, everybody went to bed early. At every lay dreaming that the Ferris wheel had stopped and that he was in the top car. Fern lay dreaming that she was on the swings. मतलब कि मेले से एक रात पहले, मेले जाने से एक रात पहले सब क्या करते हैं? जल्दी जल्दी सोने के लिए चले जाते हैं. ठीक है, और एवरी बेड पर लेट कर क्या सपना देख रहा है? कि फेरिस व्हील जो है वो रुक गया और वो सबसे ऊपर वाले झूले में. फेरिस व्हील कौन सा झूला होता है? आपने सबने मेले में देखा होगा बच्चों, एक राउंड पूरा सर्कल वाला झूला होता है, बहुत बड़ा ह्यूज सा, और उसमें छोटे छोटे से बैठने के लिए सीट्स बने होते हैं, तो वही वाला. और फन जो है वो क्या ड्रीम कर रही है? कि वो झूले पर बैठी हुई है. ओके, व्हेन दे pulled into the fairgrounds the next morning they could hear the music and see the Ferris wheel running turning in the sky. तो अब क्या बता रहे, जब वो फेयर ग्राउंड में उतरते हैं यानी मेले में उतरते हैं अगली सुबह, तो उन्हें क्या क्या सुनाई दे रहा है? म्यूजिक की आवाज और फेरिस व्हील जिसको एवरी ने सपने में देखा था वो उसे दिख रहा है कि वो आसमान में गोल गोल घूम रहा है. They could smell the dust and they could smell burgers frying. They could see balloons aloft. They could hear flocks of sheep bleating in their pens. तो उन्हें क्या क्या? उन्हें धूल की महक आ रही है और उन्हें बर्गर्स के फ्राई होने की अच्छी सी स्मेल आ रही है. उन्हें बलून्स उड़ते हुए दिख रहे हैं आसमान में और उन्हें शीप के बोलने की आवाज आ रही है. ठीक है, Can I have some money? asks Fun. तो Fun क्या पूछती है कि क्या मैं थोड़े से पैसे ले सकती हूँ? अपने पेरेंट्स से ये बात पूछती है वो. Can I too? asks Avery. और उसकी बात सुनकर Avery भी क्या पूछता है कि मैं भी ले सकता हूँ क्या? I am going to win a doll by spinning a wheel and it will stop by the right number, said Fun. तो Fun क्या कह रही है कि मैं एक डॉल खरीदूंगी. कैसे? आप सबने मेले गए होंगे, आप मेले में देखा होगा कि एक राउंड, कोई कोई काउंटर पे एक राउंड ऐसा गेम होता है लकी ड्रॉ टाइप का, जिसमें मतलब कि एक एक नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर जो नंबर आपने सेलेक्ट किया अगर वो उस व्हील के रुकने पे उसी नंबर पे अगर निडल रहता है तो जिसने भी वो नंबर सेलेक्ट किया उससे कोई ना कोई प्राइज मिलता है. तो इसी तरह की बात कर रही है फन के, मैं मुझे उससे क्या मिल जाएगा? एक डॉल. तो आई एम गोइंग टू स्टेयर अ जेट प्लेन एंड बम्प इट इनटू अनदर वन, सेड एवरी. और एवरी क्या कह रहा है कि मैं तो एक जेट प्लेन उड़ाऊंगा और उसे किसी और से टकरा दूंगा. कैन आई बाय अ बलून? आस्क्स फन. फन क्या पूछ रही है, क्या मैं एक बलून खरीद सकती हूँ? कैन आई बाई फ्रोजन कस्टर्ड, अ चीज बर्गर एंड अ बलून? आस्क्स एवरी. एवरी तो उससे भी ज्यादा चीजें कह रहा है, वो पूछ रहा है क्या मैं फ्रोजन कस्टर्ड, चीज बर्गर और बलून खरीद सकता हूँ? यू चिल्ड्रेन बी क्वाइट टिल वी गेट द एनिमल्स अनलोडेड, सेड मिसिज एरेबल. अब उनकी मम्मी यानी मिसिज एरेबल क्या डांटती है उन्हें कि तुम लोग चुप रहो जरा, हम अभी सारे एनिमल्स को उतार रहे हैं. लेट द चिल्ड्रेन गो ऑफ बाई देमसेल्फ, सजेस्टेड मिस्टर एरेबल. द फेयर ओनली कम्स वंस अ ईयर. तो मिस्टर एरेबल यानी उनके पापा क्या सजेस्ट करते हैं कि उन्हें अपने से जाने दो, मेला तो कौन सा साल में हर बार आता है, वो तो सिर्फ एक ही बार आता है, उन्हें इंजॉय करने दो. मिस्टर एरेबल गेव फन एंड एवरी सम पॉकेट मनी. मिस्टर एरेबल फन और एवरी को कुछ कुछ पैसे देते हैं.
मेले में घूमने के लिए। नाउ रन अलोंग ही सेड, और वो क्या बोलते हैं कि जाओ भागो, एंड रिमेम्बर द मनी हैज टू लास्ट ऑल डे। और अब वो उसे क्या कहते हैं कि लेकिन एक बात याद रखो कि इस पैसे को एक ही बार में खर्च मत कर देना, पूरे दिन इससे ही तुम्हें काम चलाना है। डोंट स्पेंड इट ऑल इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, बी बैक हियर एट द ट्रक एट नून टाइम सो वी कैन ऑल हैव लंच टुगेदर, एंड डोंट ईट अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज गोइंग टू मेक यू सिक टू योर स्टमिक्स। और क्या कह रहे हैं कि जैसे ही दोपहर हो जाए दौड़कर इस ट्रक तक वापस आ जाना ताकि हम सब मिलकर लंच करेंगे, और इतना ज़्यादा भी मत खा लेना कि तुम्हारा पेट ही खराब हो जाए। एंड इफ यू गो इन दो स्विंग्स सेड मिसिज एरेबल, यू हैंग ऑन टाइट, यू हैंग ऑन वेरी टाइट, हेयर मी। और क्या कह रही है मिसिज एरेबल कि अगर उस झूले में जाना तो एकदम कस कर सीट बेल्ट बांध लेना, एक बिल्कुल कस कर, मुझ मेरी बात सुन रहे हो। डोंट गेट डर्टी, और क्या बोले कि अपने कपड़े गंदे ना करना। एंड डोंट गेट ओवर हीटेड सेड देयर मदर, और उसकी मदर क्या कह रही है कि ज्यादा दौड़ भाग करके एकदम गरम गरम गर्मी मत अपने ऊपर कर लेना। वॉच आउट फॉर पिक पॉकेट्स वॉर्न देयर फादर, अब फादर एक और बात क्या कह रहे हैं कि पिक पॉकेट से भी बचना। पिक पॉकेट्स क्या होते हैं, जेब कतरने वाले, यानी वो पैसे चुराने वाले, उनसे भी बच कर रहना। द चिल्ड्रेन ग्रैब्ड ईच अदर बाई द हैंड एंड डांस्ड ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द मेरी गो राउंड टूअर्ड द वंडरफुल म्यूजिक एंड द वंडरफुल एडवेंचर एंड द वंडरफुल एक्साइटमेंट। तो दोनों बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहाँ भाग कर जाने लगे, मेरी गो राउंड के पास दौड़ कर, मेरी गो राउंड एक झूले का नाम होता है, और म्यूजिक के तरफ और उस तरफ जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था और बहुत ज़्यादा एडवेंचर था। मिसेस एरेबल स्टूड क्वाइटली एंड वॉच देम गो, देन शी साइड, देन शी ब्लू हर नोज। तो मिसेस एरेबल चुप होकर उन्हें जाते हुए देख रही थी, और उस फिर उन्होंने अपनी आहें भरी और ये कहा कि डू यू रियली थिंक इट्स ऑल राइट, शी आस्क्ड। तो वो मिस्टर एरेबल से क्या पूछती हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये करना सही था, हमें उन्हें जाना देना चाहिए था। वेल दे हैव गॉट टू ग्रो अप सम टाइम सेड मिस्टर एरेबल, एंड द फेयर इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट आई गेस। मिस्टर एरेबल क्या बोलते हैं रिप्लाई में कि अब वो बड़े हो गए हैं और उन्हें हमें थोड़ा टाइम अकेले देना चाहिए, और इसके लिए मेला एक बहुत ही अच्छा जगह है। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।